खुदाई खिदमतगार की एक ओथ है हमारी, मैं अहिंसा, वो हम ओथ उसको बताते हैं और फिर वो अगर उससे एग्री होता है तो हम कहते हैं कि आप खुदाई खिदमतगार भाई आप बन गए, लेकिन अब आप कुछ दिन तक जरा अपने आप को ठीक करने का काम करो। और अगर कोई ईश्वर को नहीं मानता है तो उससे कई लोग कहते हैं कि आप, हम तो ईश्वरी को नहीं मानते हैं, तो मैंने कहा फिर आप अपने को इंसानियत से जोड़ सकते हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि खुदाई खिदमतगार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदाई को नहीं मानते हैं, तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एक जहन के लिए, लेकिन नाम का असर भी बहुत पड़ता है। तो खुदाई खिदमतगार का मतलब है कि जो हम ये सर्विस कर रहे हैं ह्यूमैनिटी की, इसका एक तो हम इसका कुछ बदला नहीं चाहते, हम खुदा के लिए कर रहे हैं तो खुदा ही से हम इसका बदला लेंगे, और दूसरा खुदा की मखलूक की खिदमत ही खुदा की खिदमत। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। तुलसीदास भी कहते हैं रामचरितमानस में कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरे के काम आने से बड़ा कोई धर्म नहीं है।